in this question, we have to show that the 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega raised to power 4 into 1 minus omega raised to power 4 plus omega raised to power 8 up to 2n factors equals to 2 raised to power 2n hona chahiye. Okay, so we know that 1 minus omega. तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा. नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा रेस्ट और 4 क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब इज 1. तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 इज ओमेगा प्लस 1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले ही है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर. नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा रेस्ट और 4 ओमेगा, और ये ओमेगा रेस्ट और 8 बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा, और ये माइनस ऑलरेडी ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा. तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 2 ओमेगा, सेकंड में माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. ओके, ऐसे चलता जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स हैं. तो मीन्स माइनस 2 ओमेगा के कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, n. ओके, एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, n, क्योंकि टोटल 2n फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट फैक्टर माइनस 2 ओमेगा का, तो सेकंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड माइनस 2 ओमेगा का, तो फोर्थ माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. तो n फैक्टर माइनस 2 ओमेगा के, और n ब्रैकेट्स होंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के. तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स. तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 रेस्ट पावर n इंटू ओमेगा रेस्ट पावर n, माइनस 2 रेस्ट पावर n इंटू ओमेगा रेस्ट पावर 2n. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 रेस्ट पावर n और माइनस 2 रेस्ट पावर, दिस इज माइनस 2 रेस्ट पावर n प्लस n प्लस 2n, 2n हो जाएगी, और ओमेगा रेस्ट फॉर एन इंटू ओमेगा रेस्ट फॉर 2n, दिस इज ओमेगा रेस्ट फॉर 3n. नाउ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 1 रेस्ट फॉर 2n इज इवन पावर क्या होती है, 1. माइनस 1 की नेगेटिव की इवन पावर क्या होती है, पॉजिटिव बना देती है. तो माइनस 1 रेस्ट पावर इवन क्या हो जाएगी, प्लस 1. तो ये बन जाएगा 2 रेस्ट पावर 2n इंटू ये किसको, ओमेगा रेस्ट फॉर 3n क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर n, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो 2 रेस्ट पावर 2n इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 2n, 2 रेस्ट टू पावर 2n आ गई, 2 रेस्ट टू पावर 2n आ गई. सो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 2n इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 2n. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.